आज के टॉपिक है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी करें तो इम्यूनोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लॉजी को यहाँ पे लोग रोज यानी कि स्टडी बोलते हैं और इम्यूनो यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी यानी कि बायोलॉजी की एक स्पेशल और एक सेपरेट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं जो कि इस डेवलपमेंट इसका जो है इस स्टडी के लिए हुआ है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म, मतलब कि हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किस तरह से कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब फीवर है, कोई डिजीज़ है, उसके अगेंस्ट किस तरह से वर्क करता है, वो पूरी स्टडी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम की वो स्टडी हम करते हैं पूरी इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में एक बहुत अच्छी टर्म हमारी आती है इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी क्या होता है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, प्रोटीन्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि बहुत सारी सेल्स हैं, जैसे कि टिश्यूज हैं, प्रोटीन्स हैं और ऑर्गन्स हैं, वो सब मिलकर बॉडी को एक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक एक्टिविटी, एक इम्यूनिटी, एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करा देगी। जो प्रोसेस होती है, जो चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में ब्लड हो गया है, लिम्फ सिस्टम्स हो गए हैं, ये एक वाइटल रोल यहाँ पर प्रोवाइड करता है। जनरली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके जो पॉसिबल पाथवे होते हैं वो होती है हमारी स्किन और म्यूकोसा। स्किन और म्यूकोसा एक जनरल पॉसिबल पाथवे होते हैं फॉर एंट्री ऑफ पैथोजेंस। स्किन से लाइक हुकवॉर्म वगैरह हो गया, वो हमारी बॉडी में उसी के थ्रू एंटर करता है। कोई कट लग जाए हमारी स्किन में, कोई कट लग जाए, उसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। अब म्यूकोसा यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, यूरेटर, यूरेथ्रा, वजाइना एट्सेट्रा, जो भी हमारी बॉडी का पार्ट ओपन हो रहा है आउटसाइड के लिए, वहाँ से जो है पैथोजेंस जो है बहुत ही ईजीली इस पाथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक सिंपल इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी। अब हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी जो है वो दो तरह की होती है। इम्यूनिटी को हम दो पार्ट में जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा इननेट इम्यूनिटी और एक होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी हमारी यानी कि जो कि हमारी इम्यूनिटी हमारे अंदर पहले से है, यानी कि इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हम कहीं बाहर से ले रहे हैं। तो इसी तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी हम फर्दर दो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया नेचुरल और एक हो गया है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल वाला पार्ट है, नेचुरल वाले पार्ट को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और आर्टिफिशियल को भी फर्दर कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल इम्यूनिटी को लेके चले। नेचुरल इम्यूनिटी को हम इननेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इननेट भी बोला जाता है इसको, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको बोला जाता है। ये प्री एग्जिस्टिंग होती है, मतलब पेरेंट्स के थ्रू जो है ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाती है, और ये इम्यूनिटी कहलाती है हमारी। नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में, इंडिविजुअल्स में इसका जो है वो चेंजेस होता रहता है। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है उसके भी कुछ ऐसे जो है डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से नेचुरल इम्यूनिटी का जो है वो रोल रहता है, कि वो किस तरह से उनका जो है वो वर्क रहता है। इस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी वाले टॉपिक में भी स्टडी कर सकते हैं। कुछ एनाटॉमिकल और कुछ मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं जो कि पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ये सारे बैरियर्स, और इन बैरियर को हम थ्री नेम से जान सकते हैं, लाइक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तीन लाइन होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यहाँ पर स्टडी करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो प्रोटेक्शन
बाय एनाटॉमिकल और मैकेनिकल बैरियर से। एनाटॉमिकल और मैकेनिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर में हमारा आ जाता है स्किन। सबसे पहला स्किन हमारा एनाटॉमिकल बैरियर का काम करता है, और म्यूकोसा, ये दोनों हमारे जो है म्यूकस मैम्ब्रेन हमारी जो है वो एनाटॉमिकल मैम्ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करती है। सरफेस म्यूकोसल लाइनिंग हो गई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, यूरोजेनाइटल ट्रैक की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ये सारे जो है वो एनाटॉमिकल बैरियर की तरह यहाँ पर काम करते हैं। मैकेनिकल एक्शंस, लाइक कफिंग, स्नीजिंग, कैसे अगर हमारे गले में कुछ फंसता है तो हम खांसते हैं तो उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे थ्रॉट में प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएंगे, स्नीजिंग छींकने की वजह से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है वो फॉरेन एजेंट्स रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है उससे बाहर निकल जाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आता है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा क्या आएगा, जो हमारे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल बैरियर्स हैं। फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो बैरियर्स हमारे होते हैं, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल बैरियर्स, जैसे कि क्या हुआ हमारा टेम्परेचर, हमने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है कि टेम्परेचर, और दूसरा हमारा पीएच। टेम्परेचर और पीएच ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर इफेक्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर में, अगर बॉडी टेम्परेचर में कुछ भी रेज होगा तो जो इन्फेक्शन होगा उसकी जो ग्रोथ होगी वो इनहिबिट हो जाएगी कुछ इन्फेक्शन कॉज की, क्योंकि जो है टेम्परेचर उसके ऊपर जो है इफेक्ट डालेगा। सेम ऐसे पीएच, जो सराउंडिंग पीएच है वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को जो है वो इफेक्ट करती है। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस भी एक डिफेंस वेपन की तरह काम करता है, जिसमें जो है वो पैथोजन इजीली बॉडी में एंटर नहीं हो सकती। और यहाँ पे फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो हमारी जो सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम की, लाइक बेसोफिल्स, मैक्रोफाजेस, ईओसिनोफिल्स वगैरह, इनके सेल्स है, ये फैगोसाइटोसिस यानी कि पैथोजन को फैगोसाइट करना, खाने वाला काम करती है, और उसकी वजह से जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। ये फर्स्ट और सेकेंड का रहा। अभी हमारा नेक्स्ट है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा क्या आएगा, इसमें वेरियस सेल्स यहाँ पे इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्व होती हैं, सेल्स इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्व होती हैं, और ये क्या करती हैं कि जैसे ही सपोज हमारी बॉडी पे कोई कट लगा है, कहीं कोई डैमेज है, कोई वुंड है, कोई इंजरी है, कोई चोट लगी हुई है, वहाँ पे ये सारी सेल्स, पूरी मेरी इम्यून सिस्टम की सेल्स वहाँ आके इकट्ठी हो जाएंगी, वहाँ पे ये सारी सेल्स वहाँ पे आके जो है क्लस्टर बना लेंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, उस रीजन पे पहुँच जाएंगी, और वहाँ जाके जो डैमेज टिश्यू है या जो पैथोजन यहाँ पे एंटर होने की कोशिश कर रहा है उसको रिमूव करने की कोशिश करती हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश करती हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है इन्फ्लामेशन। और ये हमारा आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये हमारे जो है वो डिफेंस की लाइन्स थी, या फिर इनको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं इननेट इम्यूनिटी का या नेचुरल इम्यूनिटी का। ये हमारा नेचुरल इम्यूनिटी का था। अभी नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें था हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से मतलब समझ में आ रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर पैथोजन का एक्सपोजर होने के बाद इम्यूनिटी हमारे अंदर जनरेट होती है, डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये नेचुरल नहीं होती है, ये इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक होती है फॉर पैथोजन, मतलब पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर होती है। किस तरह से, सपोज कि जैसे अभी कोविड चल रहा था, अभी अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके अंदर जनरेट हो गई है। ठीक है, तो किसी पैथोजन का एक्सपोजर हो गया, पहले से दिख गया कि क्या आया है, उसके लिए कैसी एंटीबॉडीज बननी है, उसके अगेंस्ट कैसे वर्क करना है, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स देखें तो फर्स्ट इसमें आती है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जब कोई पैथोजन, कोई एंटीजन बॉडी में
एंटर कर जाता है किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तब उसमें जो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है वो होती है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी होती है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी आती है मदर टू मैटरनल एंटीबॉडीज, मतलब मदर से जो चाइल्ड में जाएगी, उसके बच्चे में जाएगी, वो होती है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बाद आती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि इसमें आता है वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन्स लग रही हैं वो वाली इम्यूनिटी इसमें आती है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये आती है डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी की, डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाए किसी पर्सन के अंदर, तब उसमें जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही होती हैं वो एंटीबॉडीज, वो फॉर इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, वो इम्यूनिटी कहलाती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये हमारा आज का इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी वाला पूरा टॉपिक था।